हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयर लॉग। आज मैं आपके साथ VLCC इंस्टा फेयर एंड ग्लो फेयरनेस क्रीम के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देन बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैंने ये प्रोडक्ट लाया है VLCC नेचुरल इंस्टा फेयर एंड ग्लो फेयरनेस क्रीम। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड VLCC एक बहुत ही अच्छे ब्रांड का ये फेयरनेस क्रीम है। इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया गया है, जैसे मलबेरी एंड लिकोराइस इसमें यूज़ किया गया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रीम है ये। प्लस इसमें दिया गया है SPF 50, जो UV रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप इसे यूज़ करते हैं डेली तो आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ये प्रोडक्ट डेली यूज़ करते हैं, अगर आप घर में रहते हो तो ये आपको सन से भी प्रोटेक्ट करने वाला है। ये आपकी स्किन को लाइटनिंग करेगा अगर आप इसे यूज़ करते हैं डेली तो। देन आपकी जो अनइवन स्किन टोन है इसे भी वो रिपेयर करेगा। प्लस आपकी स्किन पर, आपके फेस पर अगर डार्क स्पॉट्स है उसे भी ये रिमूव करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है ये प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने इसे यूज़ किया है, लगाने के बाद तो थोड़ा सा हेवी फील होता है, बट जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है, तो इजीली ये हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और एकदम इंस्टेंट ग्लो देता है, इंस्टेंट फेयरनेस हमारी स्किन में ये प्रोवाइड करता है। लेकिन जो ग्लो है, जो फेयरनेस है, वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है। देन अगर आप अपने फेस को इसे अप्लाई करने के बाद कुछ घंटे बाद धो लो तो जो क्रीम है वो निकल आती है अगर आप फेस वॉश करते हो तो। बस यही एक चीज़ मुझे ये क्रीम की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये हमारे स्किन के अंदर तक जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो जब हम फेस वॉश करते हैं तो ये बाहर क्यों निकल आती है, बस ये एक चीज़ मुझे क्रीम की समझ में नहीं आई। अदरवाइज़ बहुत अच्छी क्रीम है। इसका जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम फ्रूटी लाइक इसकी स्मेल है, क्योंकि इसमें फ्रूट्स यूज़ किए गए हैं। इसमें ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया है, काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स से ये बनी हुई एक नेचुरल क्रीम है। लगाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप इसे दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हो अपना फेस वॉश करके, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर भी अपने पूरे फेस पर एंड नेक पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। इसमें एक बड़ा पैक भी आता है, मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए छोटा पैक यूज़ किया है, बट इसमें बड़ा पैक भी आप परचेस कर सकते हो। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर या ऑनलाइन मिल सकती है। देन इसकी प्राइस है सिर्फ 55 रुपीज़ फॉर 25 ग्राम। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, प्लस VLCC का है, अच्छे खासे ब्रांड का है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हो। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें SPF दिया है, एंड डेली अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो। और ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी हद तक हमारी स्किन को फेयर करता है, लाइटनिंग करता है, ग्लो देता है, बट जो फेयरनेस है वो परमानेंट नहीं है। आप इसे जब तक यूज़ कर रहे हो तब तक वो आपकी स्किन को ग्लो एंड फेयर बनाए रखेगा। अगर आप इसे यूज़ करना बंद कर देते हो तो वो रिज़ल्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप एक अच्छे ब्रांड की क्रीम यूज़ करना चाहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्रीम है, काफ़ी अच्छा स्मेल है इस क्रीम का, तो आप इसे ज़रूर एक बार परचेज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।